गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक थोड़ा बहुत तो मैं बता चुका हूँ पहले, जैसे कि प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तन कोण होता है और आपतन कोण होता है उन दोनों के साइन का अनुपात, मतलब ये आपतन कोण ये अपवर्तन कोण साइन ऑफ एंगल आई, ये आपतन कोण है ये अपवर्तन कोण है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का अनुपात स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है स्थिरांक, इस स्थिरांक को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक देखो, अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें दो ही चीज़ों में परिवर्तन होता है, एक उसकी गति में परिवर्तन होता है, दूसरा उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो अपवर्तनांक को हम इन दोनों चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, जब परिवर्तन ही गति और दिशा में हुआ है तो अपवर्तनांक को हम दो चीज़ों से ही डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अपवर्तनांक का संबंध प्रकाश की गति से भी है और उसकी दिशा से भी है। अपवर्तनांक का सीधा मतलब ये कह सकते हो कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। मान लो कोई माध्यम है, इधर से प्रकाश चल के आया इस माध्यम में, यहाँ पे कोई माध्यम है, ये माध्यम प्रकाश की किरणों को कितना उसके पथ से विचलित कर सकता है, उनको कितना मोड़ सकता है, उसके मोड़ने की क्षमता को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखो अब उसने कहा कि अपवर्तनांक को दो चीज़ों से बता सकते हैं, उसकी गति से और दिशा से। दिशा का मतलब वही है, दिशा मतलब दिशा परिवर्तन का मतलब है एंगल बदल जाना। देखो एंगल आई से और जब इसका अपवर्तन हुआ तो इसमें कोण बदल गया। तो एक तो परिभाषा हमने यहीं से निकाल ली, साइन ऑफ एंगल आई बटे साइन ऑफ एंगल आर एक स्थिरांक है। मतलब कहने का क्या है, मान लो उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई पदार्थ एक्स है और प्रकाश की कोई किरण इस पदार्थ एक्स में प्रवेश करती है, ये पदार्थ एक्स इसमें प्रकाश की कोई किरण प्रवेश करती है, ये इसका अभिलंब है, तो ये अपने पथ से विचलित होगी, मतलब ये अभिलंब की तरफ भी झुक सकती है और अभिलंब से दूर भी जा सकती है। ये कहता मान लो इसमें आपतन कोण है 72 डिग्री और अपवर्तन कोण है इसमें 40 डिग्री, ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो हम क्या करेंगे साइन ऑफ एंगल आई, आई कितना 72 डिग्री, साइन ऑफ एंगल आर, आर कितना है साइन आर कितना 40 डिग्री, हम दोनों का मान रखेंगे, साइन 72 का मान कितना होता है 0.951, साइन 72 डिग्री का ये वैल्यू होती है, साइन 40 की वैल्यू होती है 0.642, हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो अपवर्तन का मान आ जाएगा 1.48, मतलब ये जो पदार्थ x है इसका अपवर्तनांक है 1.48, ठीक है, ये इतनी सी बात। उसके बाद अपवर्तनांक को दिशा, देखो अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ की क्षमता है जो किरणों को मोड़ेगी। अब वो मोड़ने की क्षमता तो हमने बता दी उसके एंगल से, यहाँ निकल गया। अब मान लो हम उसकी गति से निकालना चाहें, अगर प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से, ये माध्यम एक है ये माध्यम दो है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये दूसरा माध्यम है, तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, यहां पे मान लेते हैं इस प्रकाश की चाल v1 है और यहां पे प्रकाश की चाल है v2,
अब अपवर्तनांक को दो तरीके से ही बता सकते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक दो ही चीजों में परिवर्तन कर रहा है, एक तो उस प्रकाश की दिशा बदल रहा है, तो दिशा से अपवर्तनांक हमने जान लिया, देखो साइन ऑफ एंगल आई बटे साइन ऑफ एंगल आर, यहां से उसकी परिभाषा निकाल ली दिशा से। अब गति में भी परिवर्तन आएगा, तो गति से कैसे अपवर्तनांक की परिभाषा निकाल ले, तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ की क्षमता है, तो कौन से पदार्थ की, देखो यहां से इसमें प्रवेश करेगी तो यही मोड़ने वाला है, तो इसका अपवर्तनांक निकालेंगे, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसका, माध्यम दो का किसकी तुलना में, माध्यम एक की तुलना में, माध्यम अपवर्तनांक माध्यम दो का माध्यम एक की तुलना में, तो इसका सूत्र है क्या, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक का दूसरा सूत्र है। अब अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से दिखाएंगे, स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन किसका, माध्यम का, माध्यम दो का, तो स्मॉल एन हम उसको ऐसे लिखाएंगे, माध्यम दो का अपवर्तनांक किसकी तुलना में, एक की तुलना में, यहां अगर दो एक लिखा है मैंने, तो ये कहेंगे कि माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की तुलना में, और ऊपर आएंगे प्रकाश की चाल माध्यम एक में, यहाँ ऊपर आएगी माध्यम एक में प्रकाश की चाल वो कितनी थी V1, और प्रकाश की चाल माध्यम दो में V2, तो ये सूत्र बनेगा किसका, अपवर्तनांक का, कौन से अपवर्तनांक का, माध्यम दो के लिए। अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब अपवर्तनांक किसका, माध्यम एक का किसकी तुलना में, दूसरे माध्यम की तुलना में, तो उल्टा हो जाएगा, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो ये सूत्र आ जाएगा अपवर्तनांक का, ठीक है। देखो माध्यम वायु भी हो सकती है, माध्यम कांच भी हो सकता है, माध्यम जल भी हो सकता है। अगर कोई माध्यम वायु को छोड़ के कोई दो माध्यम है, जैसे अगर प्रकाश की कोई चाल कांच से जल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो यहाँ वायु कोई माध्यम नहीं, दोनों माध्यम कोई एक कांच है एक जल है, तो यहाँ पे जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे वो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, उसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। जैसे मान लो कांच से, ये कांच है और यहाँ नीचे जल है, तो अगर हम जल का अपवर्तनांक निकाल लें किसकी तुलना में, कांच की तुलना में, तो फिर उस अपवर्तनांक को नाम दिया जाएगा जल का सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव। लेकिन मान लो यहां ऊपर एक माध्यम वायु है, वायु या निर्वात मतलब वैक्यूम जिसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी वायु नहीं होती उसको वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर ही होती है, एक मानते हैं, लगभग एक कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उनका अपवर्तनांक एक मानते हैं, चाल नहीं, इन दोनों का अपवर्तनांक एक मानते हैं, वायु और निर्वात बहुत कम डिफरेंस है तो उनको बराबर ही मानते हैं, तो एक अगर माध्यम वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम कोई भी है, चाहे जल है चाहे कांच है कुछ भी चीज है, तो उस समय जब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे वो आएगा पूर्ण अपवर्तनांक, ठीक है, पूर्ण अपवर्तनांक। जैसे हम हमेशा वायु में प्रकाश की चाल उसी से दिखाते हैं, वायु में प्रकाश की चाल सी से दिखाई जाती है, सी का मान 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3×10^8 m/s वायु में प्रकाश की चाल, यही हम निर्वात में मानते हैं, ठीक है। अब एक माध्यम अगर
हमेशा ही एक माध्यम वायु है, तो उस समय जो अपवर्तनांक आएगा वो दूसरे माध्यम का ही निकाला जाता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक एक माना जाता है। ठीक, तो उसका सूत्र क्या बनेगा? मान लो एक माध्यम तो वायु ही है और दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उस समय हम सूत्र लिखेंगे एम एम। एम का मतलब है माध्यम। एक तो अंडरस्टूड है कि पहले वाला माध्यम तो वही वायु ही है या फिर निर्वात, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन हमने अपवर्तनांक किसका निकालना है? दूसरे किसी माध्यम का, तो उसको एन एम लिख दिया। पहला माध्यम क्या है? वायु या निर्वात, और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं। वैसे सीधा लिखो, माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, एन एम। अब वायु में प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल हम वी एम लिख सकते हैं, वी एम। एम मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, तो सूत्र ये बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण अपवर्तनांक का सूत्र है ये। किसी वस्तु का अगर हम पूर्ण अपवर्तनांक निकालना चाहे, सी का मान 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अपवर्तनांक किस चीज पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक किसी वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो वस्तु किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो दूसरा, एक तो प्रकृति हो गया, प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, जो आने वाली किरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। तो दो चीजों पे अपवर्तनांक निर्भर करता है, एक प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे, और दूसरा तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, और देखो एक वस्तु के अंदर प्रकाशीय घनत्व होता है, और प्रकाशीय घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं, डेंसिटी मतलब कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है, कितना सघन है। और प्रकाशीय घनत्व का मतलब है अगर कोई पदार्थ प्रकाश को अपने अंदर गुजरने से रोकता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, चांदी में से बहुत आसानी से गुजर जाएगी, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अगर हम कोई तार ले लोहे का, उसमें से वो इतनी आसानी से नहीं गुजर पाएगी, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? लोहे का। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से नहीं गुजर पा रही। ऐसे ही प्रकाश की घनत्व जिस वस्तु का अधिक होता है वो उतना ही रोकेगा प्रकाश को, प्रकाश को उतना ही ज़्यादा रोकेगा और उतना ही ज़्यादा मोड़ेगा। तो जिस वस्तु का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, प्रकाशीय घनत्व का मतलब ये समझ लो, प्रकाश को रोकने की क्षमता। ठीक है, अपवर्तनांक मैंने बताया था, अपवर्तनांक होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। ठीक है, ये दोनों आपस में संबंधित है। जिस वस्तु का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है, वो वस्तु को, वो प्रकाश की किरणों को उतना ज्यादा मोड़ेगी। जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा वो प्रकाश की किरणों को उतना ही ज्यादा मोड़ती है। ठीक है, मान लो कोई एक इधर एक माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, अगर इन दोनों का अपवर्तनांक बिल्कुल समान है तो इन दोनों में से कोई भी प्रकाश की किरण को नहीं मोड़ता, वो सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम। जब हम किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, जैसे माध्यम एक, इस माध्यम एक का अपवर्तनांक, या माध्यम दो का अपवर्तनांक, किसी का भी निकाल लो पहले, n 2 1,
माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की तुलना में माध्यम एक में V1 प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चालक V1, माध्यम दो में प्रकाश की चालक V2, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की तुलना में क्या होगा? प्रकाश माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 बटे V2, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ये तो आ गया इसके लिए माध्यम दो के लिए। अब माध्यम एक के लिए देखिए N12 मतलब क्या है? माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो की तुलना में या माध्यम दो के सापेक्ष, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ये हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को उल्टा करो। उल्टा का मतलब है एक बटे करो, जैसे एक बटे N12। दूसरी समीकरण की बात करो, उसे इसको करोगे एक बटे V2 बटे V1, तो ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा V1 बटे V2। क्या है? एक बटे, इधर लिखो, एक बटे N12 बराबर V1 बटे V2। ये आ गया। उल्टा करने पे, समीकरण दो को उल्टा करने पे हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखो, ये समीकरण नंबर एक है, इसकी ये राइट हैंड साइड और इसकी ये राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। N21 बराबर एक बटे N12। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के अपवर्तनांक का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, माध्यम दो का, जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक का निकालेंगे तो दो के विपरीत होगा, और दो का निकालेंगे तो वो पहले के विपरीत होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है अपवर्तनांक। ठीक, इसके अलावा अगर कोई इसमें क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। ठीक, तो अपवर्तनांक भाई फिलहाल के लिए इतना ही था। आगे अब हम शुरू करेंगे लेंसेज। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें ये याद रखना भाई, जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होता है। आपकी बुक में ना एक सारणी दी गई है, एक टेबल दे रखी है, जिसमें अलग अलग पदार्थों का अलग अलग अपवर्तनांक दे रखा है, वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।